टुडे स्टार्ट एमआरआई लंबर स्पाइन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एंट्री ऑफ द पेशेंट. पेशेंट नेम इज शिवजी. इसे स्टार्ट कर देते हैं आज. ओके, हेलो गाइस, दिस इज द मशीन ऑफ सीमेंस 1.5 टेस्ला सिम्फनी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट एमआरआई लंबर स्पाइन द पेशेंट. टुडे इज द ट्रायल क्लासेस एंड एज इज 76 एंड नीड टू वेट इन एमआरआई एंड नॉट नीड इन द सीटी स्कैन ऑफ वेट. And here is the protocol: head, neck, spine, shoulder, and I choose lumbar spine and go to the head position. And here is the exam. So this is the and now entry is completed. So यहाँ से start करते हैं MRI. So I start. First time localizer, same as the CT topogram. Open and apply. Right, Avinash? Ji. And now, अब हमारी मशीन स्टार्ट है. And voice is coming. It is the very big difference CT scan and MRI. MRI में दोस्तों तीन localizer आते हैं, SAS, coronal and axial. But आपको CT में हमेशा एक ही localizer मिलेगा. We are need to plan. अब हमें planning करनी है, जैसे MRI CT scan पर करते हैं. तो there is a selection of protocol. ये protocol उठा के मैं यहाँ से इधर खींच के डाल देता हूँ या क्लिक करके भी चला जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट भी ऐसे भी डाल सकते हैं आप. अब इसको प्लानिंग करना है, ओपन करना है. ओपन कर दिए. ओपन करने के बाद अब समझना क्या है हमें, कि यहाँ पे हमें प्लानिंग करने के लिए तीन ओरिएंटेशन की नीड होता है, सेज, एक्सियल एंड कोरोनल. तो अभी आप जस्ट देख लो, ये मेरा पहला वीडियो है. अभी जस्ट आप इसमें इतना देखिए कि ये कैसे क्या है. ये आप इतना समझ लीजिए आज कि ये FOV है जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूं, कि जिस इमेज के ऊपर FOV होगा वो आप उसी की प्लानिंग कर रहे हैं. आपको समझ नहीं आया होगा, अभी बताता हूँ. मेरा अभी FOV सेज पे है और मैं सेज की ही प्लानिंग कर रहा हूँ अभी. तो ये प्लानिंग सेज की हो रही है. सेज की प्लानिंग दो इमेज ऑफ हो रही है, एक्सेलेंट कोरोनल. तो अभी आप जस्ट इतना समझ लीजिए आप कि जिस इमेज पर FOV आप उसी की प्लानिंग करने जा रहे हैं. और ये दो टाइप के FOV होते हैं, तो मैं FOV को इंक्रीज कर रहा हूँ. प्रॉब्लम थोड़ा एडजस्टमेंट की हो रही है कि आज से हमने स्टार्ट करा है, तो हम मैनुअल वीडियो बना रहे हैं अभी हम, और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं स्टार्ट करना है. मेरी प्लानिंग कंप्लीट, ऑलमोस्टली कंप्लीट हो चुका है. मैंने बहुत स्लो कराया आपको दिखाने के लिए, और ये पैरेलल कर दिया. प्लानिंग भी सिखाऊंगा, सारी चीज़ें सिखाऊंगा. आप जस्ट आज एक रूटीन वीडियो देख लीजिए. तो मैं स्टार्ट करूंगा. स्टार्ट करने के बाद तो यहाँ से एडजस्टमेंट, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी नीड होती है हमें सीखने के लिए. स्कैन स्टार्ट हो गया, और ये स्कैन टाइमिंग है इसकी 1 मिनट 35 सेकेंड थी, और अभी आपकी सीक्वेंस कंप्लीट हो गई. एक्चुअली इसको सीक्वेंस बोलते हैं. अब इसको ओपन करेंगे तो देखो, इस सेज इमेज पेशेंट का कंप्लीट हो गया. इसके नाम होते हैं अलग अलग, T2 सेज, T1 सेज, आपको सब सिखाए जाएंगे, सब बताए जाएंगे. तो ये T2 सेज हो गया, और अभी मेरे को कॉर्नल प्लान करना है.
ये ट्रिम कॉर्नर, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, यहाँ से इधर मैं कर लिया और इसको करके मैं ओपन करता हूँ। अब देखिए आप, अब आप खुद समझ जाइए कि प्लान अभी जो एफओवी वो कॉर्नर इमेज के ऊपर है, यानी कॉर्नर इमेज को कवर कर रहा है एफओवी। तो मैं किसका प्लान कर रहा हूँ इस टाइम? कॉर्नर का। और ये कॉर्नर का प्लान हम आपको एंगुलेशन सारे बताए जाएंगे, फिलहाल तो मैं बता देता हूँ जो इसकी स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल करते हैं प्लानिंग और एरिया कवर करते हैं। अगर इंक्रीज आप कुछ अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी एंड एनाटॉमी आप बढ़ा भी सकते हैं इसको। एंड नाउ प्लान इज कंप्लीटेड एंड नाउ री अगेन स्टार्ट अप्लाई। इसके बाद हम इसको कोशिश करेंगे इसकी फाइंड आउट करने की, इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, एज ए टेक्नीशियन लेवल पे क्या आपको पता होना चाहिए कि आपको प्लानिंग करनी है। ये डिस्क है, ये वर्टिब्रा है एंड आपको आप देख रहे हैं इसमें अच्छे से। कोशिश करी जा रही है कि आपको ऑनलाइन ही घर बैठे हमारा ही सिखाया जाए। एंड इधर देखिए, अब आप ये T1 है, मैंने क्लिक करा है इधर से इधर, और इसमें एक ऑप्शन भी है कॉपी पैरामीटर, कि आपको बार बार एक ही इमेज की ओरिएंटेशन को बार बार प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अब मेरे को T1 की कॉपी T2 साइज से करना है कॉपी एंड स्लाइस सेट एंड रीजन। तो जो प्लान मैंने पहले किया था तो उसी का कॉपी हो गया और मैं अभी को कॉपी करूंगा इसकी। एफओवी कभी भी कॉपी नहीं होता है, आपको मैनुअली उसको इंक्रीज करना होगा, देखना होगा। तो देखिए कंप्लीट हो चुका है ये प्लान एंड अप्लाई कर दिया। एमआरआई आपको ऑलवेज 3 ओरिएंटेशन में करना होगा, सेज एक्सियल एंड कॉरोनल। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि सेज में करके छोड़ दिया, कॉरोनल में करके छोड़ दिया, आपको करना होगा। एंड वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश करी गई है इसमें। एंड नाउ वी आर डूइंग द प्लान ऑफ एक्सेल इमेज। अब देखिए आप एक्सेल पे एको भी आएगा, ये देखा मैं एक्सेल का प्लानिंग कर रहा हूँ सेज पे। ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा प्लानिंग किसके ऊपर होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिक्वेंस चेंज हो सकता है, पर आपको ये याद होना चाहिए, बताया जाएगा आपको सर। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अपना, तो इधर देखिए कॉर्नर इमेज कंप्लीट हो गया है, इसको खोल के देखना बहुत जरूरी है ओपन करके, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। तो हमारे पेशेंट भी थोड़े सिक हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। एंड ये मैं प्लान कर रहा हूँ, सब बताया जाएगा आपको, बस आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बताएं जो लोग हमारे टेक्नीशियंस भाई परेशान हैं, जो सीखना चाहते हैं, बेल आइकन पर हिट करें, ताकि अब पर डे में संडे में अपना 1 आवर्स आपके लिए लेकर आया हूँ, 1 आवर्स आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत से भाई लोग हैं जो नहीं सीख पा रहे हैं, जो नहीं सिखाते इन चीज़ों को, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन सिखाने की। पहले मैं अपना यहीं पे सिखाता था लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन ही सिखाया जाए और आप घर बैठे फ्री में सीखें और आगे बढ़ें। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें, एंड जो भी आपका सजेशन है, आप कोई कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग CT MR एंड एक्सरे, तो अपने पास तीनों मॉडल टी की मशीन है, एक्सरे जी फिलिप्स एंड सीमेंस ऑल्सो। तो देखिए ये एक्सेल का प्लान हो गया, मैंने डिस्क और बॉडी के पैरेलल कराया प्लान, और मुझे को चेक करना होता है कि कहीं इसमें क्या कोई फाइंडिंग है या कहीं से कोई लीजन है। अभी आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा इसमें कि लीजन है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको स्लाइस इसको थिन करूँगा और थोड़ा इसको इंक्रीज भी करूँगा।
आप जस्ट आज इसको रूटीन वीडियो की तरह आप देखिए एक दो बार बस, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ते हैं। ये प्लान हो गया, ये हम अब स्टार्ट कर दिए। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें उनकी जरूरत होती है पढ़ने की। ये T1 सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से चलता है हमारा ही, और आगे आपको हर संडे बनारस लाइव क्लासेस सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं।